हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 25 अमेजिंग किचन गैजेट जो आपके किचन के लिए काफी यूजफुल है और आप इन्हें ऑनलाइन परचेस कर पाएंगे। तो गाइस, हमारी इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शार्प सील ग्लव्स। गाइस, कभी कभी वेजिटेबल कट करते वक्त हमारा हाथ भी कट जाता है, जो कि काफी डेंजरस होता है। इस ग्लव्स की हेल्प से आप इजीली वेजिटेबल कट कर सकते हैं। इस ग्लव्स को कॉपर और फाइबर से बनाया गया है, जिसकी वजह से नाइफ से नहीं कट पाता और आप बिना किसी डर के वेजिटेबल को कट कर सकते हैं। गार्लिक पीलर। दोस्तों, गार्लिक छीलना काफी मुश्किल होता है और इसमें काफी समय भी लग जाता है। इस गैजेट की हेल्प से आप आसानी से लहसुन छील सकते हैं। आपको सिंपली इसमें लहसुन के पीस डालने होते हैं और दोनों हाथों से मसलना होता है और हमारे गार्लिक पील हो जाते हैं। ऑटोमेटिक डिश स्क्रबर। दोस्तों, हमारे घरों में आधा समय तो बर्तनों को वॉश करने में निकल जाता है, जिससे बचने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस कमाल के गैजेट का। इस कमाल के गैजेट की हेल्प से आप बर्तनों को आसानी से क्लीन कर सकते हैं। इसमें 3 ब्रश लगे होते हैं और इसमें आप अपनी जरूरत के हिसाब से टाइम और मोड सेट कर सकते हैं। ये एक बार चार्ज करने पर 40 मिनट तक काम करता है। ये गैजेट की हेल्प से आप अपने बर्तनों को काफी कम समय में क्लीन कर सकते हैं। स्टारफिट इजी फ्राइज। दोस्तों, पोटैटो फ्राइज कट करने में काफी समय लग जाता है और ये सही से कट भी नहीं पाते। इस खास गैजेट की हेल्प से आप कुछ ही सेकंड में फ्राइज कट कर सकते हैं। आपको इसके बीच में पोटैटो डालने होते हैं और फिर इसे प्रेस करना होता है और पोटैटो कट हो जाते हैं। आप इसमें पोटैटो के अलावा और काफी सारे वेजिटेबल कट कर सकते हैं। इसे क्लीन करना भी काफी आसान है। सिलिकॉन बोतल स्टॉपर। दोस्तों, कई बोतल के कैप्स ऐसे होते हैं जो एक बार ओपन होने पर दोबारा नहीं लगते और हमें ड्रिंक पूरी पीनी पड़ती है। इस गैजेट की हेल्प से आप बोतल को इजीली लॉक कर सकते हैं। दिखने में ये छोटा सा गैजेट आपके बहुत काम आ सकता है। आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। चॉप सैलेड। दोस्तों, इस गैजेट की हेल्प से आप वेजिटेबल को बाउल में इजीली चॉप कर सकते हैं। इस कटर के ब्लेड को स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है, जिसकी वजह से वेजिटेबल को काफी फास्ट चॉप करता है। गार्लिक मास्टर। दोस्तों, गार्लिक काटना काफी मुश्किल होता है और उसमें काफी टाइम लग जाता है। इस गैजेट की मदद से आप गार्लिक को छोटे छोटे पीस में आसानी से कट कर सकते हैं। आपको इसमें गार्लिक डाल के इसे घुमाना होता है, जिससे आपके गार्लिक आसानी से कट हो जाते हैं। ये काफी अच्छा गैजेट हो सकता है आपके किचन के लिए। योशी ग्रिल एंड बेक मेल्स। दोस्तों, ग्रिल फूड का टेस्ट तो काफी अलग होता है, पर वो काफी गंदे हो जाते हैं। इस डिवाइस की हेल्प से आप ग्रिल को गंदा होने से बचा सकते हैं। ये कॉपर की मैट है और कॉपर काफी जल्दी गर्म हो जाता है। इस मैट से आप ग्रिल को गंदा होने से बचा सकते हैं और ग्रिल फूड का टेस्ट ले सकते हैं। आप इस मैट में कई सारे डिशेज बड़ी आसानी से बना सकते हैं। स्लाइस राइट। इस कटर की हेल्प से आप वाटरमेलन को बड़ी आसानी से स्लाइस कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। इससे आप वाटरमेलन को छोटे छोटे पीस में कट कर सकते हैं और सर्व भी कर सकते हैं। अगर आपको स्लाइसर पसंद आया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वेजिटेबल चॉपर। दोस्तों, हम वेजिटेबल को चॉप करने के लिए मिक्सर का यूज करते हैं। इस चॉपर की हेल्प से आप काफी कम समय में बड़ी आसानी से वेजिटेबल चॉप कर सकते हैं और उसे आसानी से निकाल भी सकते हैं। इसे क्लीन करना भी काफी इजी है। अगर आपको ये गैजेट पसंद आया तो आप इसे नीचे दिए गए लिंक से परचेस कर सकते हैं। पोटैटो राइसर। दोस्तों, ये कमाल का गैजेट आपके काफी काम आ सकता है। इस गैजेट की हेल्प से आप पोटैटो को इजीली मैश कर सकते हैं। आपको सिंपली इसमें पोटैटो डालने होते हैं और फिर इस हैंडल को प्रेस करना पड़ता है, जिससे आपके पोटैटो बड़ी आसानी से मैश हो जाते हैं। आप इसकी मदद से काफी सारे वेजिटेबल मैश कर सकते हैं। सॉल्ट
सोप डिस्पेंसिंग बोतल ब्रश। दोस्तों बोतल का इस्तेमाल तो हम सभी लोग करते हैं, पर उन्हें अंदर से क्लीन करना काफी मुश्किल होता है। इस गैजेट की हेल्प से आप बोतल को इजीली अंदर से क्लीन कर सकते हैं। इसके हैंडल में सोप टैंक और एक बटन होता है जिसे पुश करने पर सोप ब्रश में आ जाता है और हम बोतल को आसानी से क्लीन कर सकते हैं। इस ब्रश को रखने के लिए हमें एक स्टैंड भी मिल जाता है। ऑक्सो सैलेड स्पिनर। दोस्तों सैलेड खाना हम सभी को पसंद होता है और वो हमारी सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है, पर उन्हें क्लीन करना काफी मुश्किल होता है और सैलेड गीला भी हो जाता है। इस गैजेट की हेल्प से आप सैलेड को बड़ी आसानी से क्लीन कर सकते हैं और उसे ड्राई भी कर सकते हैं। गार्लिक स्लाइजर। इस गैजेट की हेल्प से आप गार्लिक और जिंजर को इजीली स्लाइस कर सकते हैं। इसके ब्लेड काफी ज्यादा शार्प होते हैं, ये गार्लिक और जिंजर को काफी स्मूथ स्लाइस करता है। माइक्रोवेव क्लीन टॉय। दोस्तों माइक्रोवेव में खाना गर्म करने के कारण वे जल्दी गंदे हो जाते हैं और उन्हें क्लीन करना काफी मुश्किल होता है। इस टॉय की हेल्प से आप माइक्रोवेव को इजीली क्लीन कर सकते हैं। इस टॉय में आपको पानी व सिरका मिलाना पड़ता है और फिर इसे माइक्रोवेव में 7 मिनट के लिए रख देना होता है। उसके बाद आप माइक्रोवेव को कपड़े से क्लीन कर सकते हैं और माइक्रोवेव आसानी से क्लीन हो जाता है। कैन ओपनर। दोस्तों हमारे किचन में कई डब्बे स्टील के होते हैं जिन्हें खोलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इस ओपनर की हेल्प से आप उन डब्बों को इजीली खोल सकते हैं। आपको सिंपली इसके डब्बे के ऊपर लगाना होता है और इसे घुमाना होता है जिससे उसका ढक्कन खुल जाता है। बोलो नाइफ। दोस्तों वेजिटेबल को नाइफ से कट करने पर उसमें काफी समय लग जाता है और वो काफी रिस्की भी होता है। इस रोलिंग नाइफ की हेल्प से आप वेजिटेबल को काफी फास्ट कट कर सकते हैं। इसके ब्लेड काफी ज्यादा शार्प होते हैं जो वेजिटेबल को काफी इजीली और फास्ट कट कर देते हैं। ग्रैबलेट। दोस्तों किचन में कई बर्तन काफी ऊपर रखे होते हैं जहां हमारा हाथ नहीं पहुंचता। इस डिवाइस की हेल्प से आप उन बर्तनों को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसके हैंडल पर एक बटन दिया होता है जिसे पुश करने पर ये लॉक हो जाता है, जिससे कि आप बर्तनों को इजीली पिक कर सकते हैं। ये 90 डिग्री तक रोटेट हो जाता है जिससे आप इससे किसी कोने में गिरी चीज को भी उठा सकते हैं। बावेरियन एज। दोस्तों नाइफ का यूज तो किचन में सबसे ज्यादा होता ही है, पर बार बार यूज होने पर उनकी धार खराब हो जाती है और वे सही से कट नहीं कर पाते। इस गैजेट की हेल्प से आप चाकू की धार को तेज कर सकते हैं। इसमें आपको नाइफ को कुछ सेकंड घिसना होता है जिससे आपका नाइफ काफी तेज हो जाता है। इसकी मदद से आप कुछ ही सेकंड में चाकू को तेज कर सकते हैं और अपना काफी समय बचा सकते हैं। परफेक्ट कैन। दोस्तों कई बार केक बनाते टाइम वे सही से नहीं बन पाते और टूट भी जाते हैं। इस डिवाइस की मदद से आप केक को इजीली डिजाइन कर सकते हैं। ये पैन नॉनस्टिक है, आपको इसमें पॉकेट इंसर्ट और एक चेकरबोर्ड कटर मिल जाता है जिससे कि आप केक को डिजाइन कर सकते हैं। आप इसमें परफेक्ट केक बना सकते हैं। ये काफी अच्छा गैजेट हो सकता है आपके केकिंग पर्पस के लिए। हॉवर कवर। दोस्तों माइक्रोवेव में खाना गर्म करने पर वे काफी गंदे हो जाते हैं जो आसानी से क्लीन नहीं हो पाते। इस गैजेट की हेल्प से आप खाने को कवर कर सकते हैं और माइक्रोवेव को गंदा होने से बचा सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसमें माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक मैग्नेट लगे हैं जिससे कि ये माइक्रोवेव में होल्ड हो जाता है। ये हर साइज के बर्तन में फिट हो जाता है। आप इसकी हेल्प से खाने को कवर कर सकते हैं और माइक्रोवेव को गंदा होने से बचा सकते हैं। फ्लिपिन फैंटेस्टिक।
दोस्तों नॉर्मली पैन में ऑमलेट या पैनकेक्स बनाते वक्त वो पलटाने में फट जाते हैं और सही से नहीं बन पाते। इस गैजेट की मदद से आप इजीली पैन डिशेज बना सकते हैं और वो भी बहुत कम समय में। अगर आपको ये गैजेट पसंद आया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसे वॉश करना भी काफी आसान है। स्लाइस्टर, दोस्तों इस छोटे से गैजेट की हेल्प से आप अनार को बड़ी आसानी से कट कर सकते हैं और उसके दाने को अलग कर सकते हैं। आपको सिंपली आधे कटे हुए अनार को उसके ऊपर रख के स्पून से हिट करना होता है, जिसके बाद दाने बाउल में आ जाएंगे और आप अनार का मजा ले सकते हैं। ब्लू डायमंड ग्रिल जेनी। गाइस, इसमें आपको एक नॉनस्टिक ग्रिल पैन और एक स्टीमिंग लिड मिल जाती है, जिससे आप गैस पर खाना ग्रिल कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी काफी बढ़िया है, जिससे कि इसमें खाना नहीं चिपकता और अच्छी तरह से खाना पक जाता है। इसे वॉश करना भी काफी आसान है। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा गैजेट सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।